झारखंड में चुनाव है। अच्छा बताओ गब्बर सिंह के एक्ट से किसको फायदा हुआ यहां पे? कोई है? गब्बर सिंह टैक्स ने हिंदुस्तान के सब छोटे बिजनेस राज्य खत्म कर दिए भैया, 200 हो गया। और भैया प्याज की बात होती है, पार्लियामेंट में प्याज की बात होती है, और ये जो सीतारमन जी है ये कहती है, डिबेट में कहती है, मैं तो लहसुन प्याज ही नहीं खाती। अरे तुम क्या खाती हो, तुमसे किसने पूछा? तुम्हें जो खाना है खाओ, मगर तुम देश की फाइनेंस मिनिस्टर हो, देश को यह समझाओ कि 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में क्यों, देश को समझाओ किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, देश को समझाओ हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। ना मैं नहीं समझाऊंगी, मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं तो लहसुन नहीं खाती, मुझे क्या समझाना है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आते कहते मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहां पे स्टेज में खड़े होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है पूरा झारखंड जाता है, जानता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसको वोट दो। और नुकसान किसको होता है? आपको नुकसान होता है। झारखंड गरीब नहीं है, गलत फहमी में मत रहिए, ये प्रदेश गरीब नहीं है। इस प्रदेश के पास जल, जंगल, जमीन सब कुछ है। झारखंड की जनता गरीब है क्योंकि आपका पूरा का पूरा पैसा दिन भर ये लोग आपसे छीनते हैं, आपकी जमीन छीनते हैं, आपका जल, आपका जंगल छीनते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, बीजेपी की सरकार थी वहां सालों के लिए थी, दिन भर पिछड़ों की बात करते थे, मगर 27% रिजर्वेशन नहीं दिया। झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन हम करा देंगे आपके लिए। आप बस छत्तीसगढ़ की ओर देखिए, जो काम हमने छत्तीसगढ़ में किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, रोजगार के लिए, वही काम हम यहां पे रिपीट करने जा रहे हैं। अमीरों को जितना भी पैसा नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं दे सकते हैं, मगर 15-20 बिजनेस वाले अरबपति इस देश को नहीं चलाते हैं। इस देश को किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले चलाते हैं। ये इस देश की रीढ़ की हड्डी, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने अपने आप से कभी पूछा कि नरेंद्र मोदी जी दिन भर टीवी पे आते हैं, हर चैनल पे आते हैं, क्या ये फ्री में आते हैं क्या है? ये मुफ्त में आते हैं क्या? ये कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3 उद्योगपतियों का काम करते हैं। अभी देखना, हिंदुस्तान की पब्लिक सेक्टर की तेल की कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप देखना ये कंपनियां उन्हीं 2-3 अरबपतियों को जाएंगी, लाखों करोड़ रुपए की कंपनियां हैं, 50,000 करोड़ रुपए में दी जा रही है।
कैसे दिया जा रहा है, किसका पैसा है, आपका पैसा है। पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर जो था, एचएल, बीएचएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये जो हिंदुस्तान की पूंजी है, ये सब नरेंद्र मोदी जी उन्हीं दो तीन चार उद्योगपतियों को दे रहे हैं। और उनकी मार्केटिंग, वो दो तीन उद्योगपति हर रोज टीवी पे कर रहे हैं। कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, अब नहीं कहते। साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। किसी भी प्रदेश में चले जाओ, पूछो भैया, किसी युवा से पूछो, भैया क्या करते, कैसे, कुछ नहीं करते। नोटबंदी जीएसटी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी। कहते नया हिंदुस्तान बनाएंगे, बना दिया नया हिंदुस्तान। हर रोज हर प्रदेश में कहीं ना कहीं मानले महिला का बलात्कार होता है, रेप होता है। दिन भर देखो, अखबार खोलो, उत्तर प्रदेश में गोली मार दी महिला को, उन्नाव में चला दिया, इधर रेप कर दिया, उधर रेप कर दिया। नरेंद्र मोदी के एमएलए ने, उत्तर प्रदेश के एमएलए ने बलात्कार किया नरेंद्र मोदी एक शक्ति के थे। उसका एक्सीडेंट हो गया, लड़की का एक्सीडेंट हो गया, तब भी नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा। और फिर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हां, बीजेपी के एमएलए से बचाओ, और जहां भी जाएंगे नफरत फैलाएंगे। एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे, देश को बांटेंगे और कहेंगे मैं देशभक्त। ये देश बंटने से आगे नहीं जाएगा। किसानों के बिना, मजदूरों के बिना, छोटे दुकानदारों के बिना, युवाओं के बिना ये देश नहीं चल सकता। इस देश को अदानी अंबानी नहीं चला सकते हैं। आप उनको जितना भी पैसा देना दे दो, बेरोजगारी नहीं कम होगी। और जैसे ही आपने किसानों के जेब में पैसा डालना शुरू किया, धान का सही रेट देना शुरू किया, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जादू से खड़ी हो जाएगी। यह इस देश की सच्चाई है। आपको निर्णय लेना है। आप बेरोजगारी चाहते हो, रोजगार चाहते हो, रोजगार चाहते हो। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लो, उसमें साफ लिखा है जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी आज भरी नहीं गई है, वो सब की सब हम आपके हवाले कर देंगे। मगर देखिए, सरकार का काम गरीबों की रक्षा करना होता है। किसान दबा हुआ है, कटा हुआ है, उसको भविष्य नहीं दिख रहा। सरकार का काम उसके साथ खड़े होने का होता है। सरकार का काम आदिवासियों की, किसानों की जमीन रक्षा करने का काम होता है, छीनने का नहीं होता है। तो चुनाव में आप गठबंधन को समर्थन दीजिए,
मस्जिदों की यहां रक्षा होगी, आपकी जमीन की रक्षा होगी और तेजी से यह प्रदेश आगे जाएगा। और जो आपका धन है, झारखंड के गरीब लोगों का धन है, वो आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उद्योगपतियों को नहीं दिया जाएगा। आप सब दूर दूर से आए, प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Bye-bye.